नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार घाटी में 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते देश का कोई भी नागरिक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। यह भर्ती 2 चरणों में की जा सकती है। ऐसी भी संभावना है कि इसमें पदों की संख्या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। जहां तक खबर है, अगले साल के शुरू में यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि इसमें जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए अलग से कोटा रखा जाएगा या फिर सीधे देश के नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार इस फैसले को क्रियान्वित करती है तो घाटी में शांति लाने और वहां मौजूद आतंकियों के खात्मे के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। 5 अगस्त 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी भी नागरिक को स्टेट में सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं था, मगर धारा 370 और 35 की समाप्ति के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था, जिसके बाद इन राज्यों में देश के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरी पाने के दरवाजे खुल गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते अब यहां कोई भी नागरिक नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने यहां किसी बड़ी भर्ती का ऐलान नहीं किया है, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार अगले साल यहां बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती कर सकती है। खास बात यह है कि यह पुलिस भर्ती जम्मू कश्मीर के साथ देश के अनेक हिस्सों में आयोजित की जा सकती है, जिसे प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार की देखरेख में पूर्ण कराया जाएगा। यह उन युवाओं के लिए भी गौरव का अवसर होगा जो घाटी में शांति के लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने प्रदेश प्रशासन से पुलिस कर्मियों की वर्तमान आवश्यकता से संबंधित पूर्ण विवरण जुटा लिया है, जिसके बाद J&K में लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात कही गई है। केंद्र सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। सरकार का मकसद घाटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों में संतुलन बनाना है, जिससे पाकिस्तान द्वारा घाटी में स्थिति बिगाड़ने की कोशिशों से निपटा जा सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में मौजूद पुलिस कर्मियों में बड़े पैमाने पर एक ही वर्ग की भर्तियां होती रही है। यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारों ने इन भर्तियों में जम्मू निवासियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर घाटी के लोगों को अधिक वरीयता दी है, जिससे J&K पुलिस में एक ही वर्ग का दबदबा बन गया है। मगर अब केंद्र सरकार उस दबदबे को ध्वस्त करने का मन बना चुकी है। मोदी सरकार देश के सभी हिस्सों से युवाओं को जम्मू कश्मीर में भर्ती करके उन्हें प्रदेश का हिस्सा बनाने जा रही है। बताया जाता है कि इसकी पूरी रूपरेखा बनाने का जिम्मा गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसकी पूरी योजना उन्हीं के दिशा निर्देशन में बनाई गई है। इस भर्ती के माध्यम से शाह एक साथ दो निशाने साधना चाहते हैं। देश में चल रहे लॉकडाउन के चलते जहां बेरोजगारी की समस्या बड़ी तेजी से बढ़ी है, वहां वे किसी बड़ी भर्ती की घोषणा करके अपनी सरकार की उपलब्धि में फैसला जोड़ सकते हैं। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस की आवश्यकता को पूरी करने के साथ ही वहां की शांति के लिए अपने प्रयासों को दृढ़ता से साबित कर पाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से वे युवाओं को घाटी में सेवा देने के लिए प्रेरित भी करेंगे। बड़ी बात यह है कि देश के युवा घाटी में जाने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस पुलिस भर्ती के लिए देश के हर हिस्से से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विशेषज्ञों की माने तो इसके लिए देश में 20 से ज्यादा भर्ती सेंटर बनाए जा सकते हैं, जबकि भर्ती होने वाले रंग रूटों की ट्रेनिंग घाटी और जम्मू के ट्रेनिंग सेंटरों में की जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने अपनी इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सरकार खामोशी के साथ इस फैसले को अमलीजामा पहना रही है, परंतु यह तय हो चुका है कि J&K पुलिस में भारतीय युवाओं को बड़े पैमाने पर भर्ती किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से पाकिस्तान को पतंगे लगना तय है। वे इस मुद्दे पर हवाबाजी कर सकता है, मगर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करके सभी का मुंह बंद कर चुकी है, इसलिए अब यहां केंद्र के फैसलों में कोई रोड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह देश का अंग बन चुका है। यहां मौजूद नागरिकों को भी हर भारतीय की तरह पूरे अधिकार मिले हुए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा उठाया गया कोई भी कदम प्रदेश और देश की भलाई के लिए होगा। वैसे भी प्रदेश की शांति के लिए यह सार्थक पहल मानी जा सकती है। काफी वक्त से J&K पुलिस सुरक्षा कर्मियों की कमी से जूझ रही है। एक आंकलन के मुताबिक प्रदेश में 20,000 पुलिस की तत्काल आवश्यकता है। इस भर्ती के सफल होने से सेना पर दबाव भी काफी हद तक कम होगा। पुलिस की ज्यादातर जिम्मेदारी यहां सेना को संभालनी पड़ रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल का गठन होने के बाद इससे सेना को भी काफी राहत मिलेगी। खासतौर से पुलिस में मौजूद चंद पाकिस्तान परस्त और आतंकियों के हिमायतों पर भी कुछ हद तक अंकुश लग जाएगा।
ऐसे जयचंद पुलिस वाले कहीं ना कहीं आतंकियों को बढ़ावा देने के साथ पुलिस का मनोबल भी कमजोर करते हैं। खास बात यह है कि अमित शाह का यह प्रयास उनकी सरकार की बड़ी उपलब्धि में जुड़ जाएगा, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलना भी तय है। वैसे भी मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में किसी बड़ी भर्ती की घोषणा नहीं की है। जेंट पुलिस की बड़ी भर्ती से उनके माथे पर लगा कलंक भी धुल जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर इसके बाद पूरी तरह देश और दिल से भी जुड़ जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।